दोस्तों इस ट्रेन का पीछा करने का मकसद खाली से रोकना ही नहीं है। इस ट्रेन में एक बहुत ही स्पेशल सुपर कार है। वो कितनी स्पेशल है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वो जो है शहर से बाहर जा रही है, तो इस ट्रेन को जो है 50 सेकंड में यहाँ पर रोकना होगा, क्योंकि 50 सेकंड में ये जो ट्रेन है ये एयरपोर्ट पहुँच जाएगी। अगर ये एयरपोर्ट पहुँच गई तो इस ट्रेन को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो उससे पहले जो है हमें इस ट्रेन को रोकना होगा। तो चलो एक यहाँ पर जो है एक प्यारा सा स्टंट मारकर जो है ट्रेन के अंदर चलते हैं और यहाँ पर जो है रोकने की कोशिश करते हैं इस ट्रेन को। तो चलो मैं यहाँ पर जो है ट्रेन में तो आ चुका हूँ और फिलहाल चलते हैं उस कंटेनर की तरफ जिसमें एक स्पेशल कार है। कितनी स्पेशल है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यार टाइम शुरू होता है अब, और अब से सही 50 सेकंड बाद भाई ये ट्रेन एयरपोर्ट के आसपास पहुंच जाएगी। देखते हैं उससे पहले हम यहाँ पर रोक पाते हैं या फिर नहीं। भाई हमें इस ट्रेन को रोकने के लिए कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे, चाहे हमें किसी की भी स्पेशल पावर का इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़े। पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो हमारे पास कुछ स्पेशल पावर्स भी हैं, तो वो भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर पायलट से, कोशिश करते हैं कि ट्रेन को रुकवा दें, फिर जो है हम आराम से लूट पाएंगे। तो भाई ये जो है मैं एक पिस्टल लेकर आगे आ चुका हूँ और पायलट से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, तो भाई ये भाई सुनने का नाम नहीं ले रहा है। और फिलहाल जो है करते हैं इसे खत्म। तो यहाँ पर अब ट्रेन एयरपोर्ट पर तो नहीं रुकने वाली, एयरपोर्ट पर अब नहीं रुकेगी। चलो अब जो है फिलहाल करते हैं इसे रोकने की कोशिश। अगर हम अभी यहाँ पर रोक लेते हैं तो इस कंटेनर के अंदर जो एक सुपर कार है वो हो जाएगी भाई हमारी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़े से स्टिकी बॉम्ब इधर भी लगाने होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से ब्लास्ट होगा तो कुछ हो सकता है। अगर हम इसे ऐसे ही रोक पाते हैं बिना सुपर पावर्स के तो उससे बढ़िया भाई कुछ भी नहीं है। चलो यहाँ पर जो है हमने खूब सारे स्टिकी बॉम्ब्स लगा दिए हैं, लेकिन इनका फ़ायदा होगा या फिर नहीं भाई? इसमें केवल एक ही कंटेनर ऐसा है जिसमें सुपर कार है, बाकी कंटेनरों को अभी नहीं पता है। हमें केवल एक कंटेनर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ये जो सामने हमारे कंटेनर है इसमें ही सुपर कार है, बाकी कंटेनरों की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चलो यहाँ पर जो है इसमें आग लगाते हैं, और इधर से अगर ये ब्लास्ट हो जाता है ना तो पीछे की ट्रेन बिल्कुल अलग हो जाएगी। और सबसे पहले हमारा काम यही है कि इसे यहाँ से अलग किया जाए। और अभी तो यार यहाँ पर मैंने जो है चारों तरफ स्टिकी बॉम्ब्स लगा दिए हैं, अब इनका फ़ायदा कितना हो पाता है या फिर नहीं। चलो मैं जो है आगे की तरफ चलता हूँ, पीछे की तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी जो सुपर कार है वो इस वाले कंटेनर के अंदर है। तो अभी तो मैं आगे आ चुका हूँ और अभी लगाते हैं यहाँ पर आग। चलो यहाँ पर ये आग लग चुकी है, और अभी जो है मैं इंजन पर चलता हूँ और स्टिकी बॉम्ब्स जो है इन्हें ब्लास्ट करते हैं, देखते हैं ये फट। भाई ये मैंने सभी को ब्लास्ट कर दिया, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा यहाँ पर नहीं हो रहा है। थोड़ी सी ट्रेन की स्पीड तो कम हो गई है, ट्रेन की स्पीड जरूर कम हुई है, लेकिन भाई ये नहीं रुकी है। और कुछ करना पड़ेगा भाई यहाँ पर, मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, इससे तो यहाँ पर नहीं रुक रही ट्रेन। और अभी जो है यहाँ पर मैंने इंजन में भी आग लगा दी है, और पीछे की तरफ देखो तो इस कंटेनर में भी आग लग चुकी है। बस यार गाड़ी में कोई नुकसान ना हो, यहाँ पर जो एक बहुत ही स्पेशल कार है ना उसमें कोई नुकसान ना हो भाई। एयरपोर्ट आने वाला है, ये जो दो केव हैं इनके पार करते ही थोड़ी सी दूर और चलना है, फिर जो है एयरपोर्ट आ जाएगा भाई। मुझे लगता है यहाँ पर इनसे काम नहीं चलने वाला, यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है स्पेशल पावर्स की। तो स्पेशल पावर्स के लिए यहाँ पर जो है माइकल का दूसरा सूट है, और जैसे ही हम स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर जो है माइकल की भी ड्रेस चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी स्पेशल वेपन आता है सुपर हीरो का तो यहाँ पर माइकल की ड्रेस होने वाली है चेंज। तो चलो यार यहाँ पर जो है माइकल के पास यहाँ पर किसकी सुपर पावर्स लें। भाई मैं गिर गया इधर, यहाँ पर गिर चुके हैं। तो चलो यहाँ पर जो है थोर की पावर का इस्तेमाल करते हैं, थोर का जो हैमर है उसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये देखो ट्रेन सामने जा रही है, और यहाँ पर जो है मैंने माइकल के पास माइकल को यहाँ पर जो है थोर का हथौड़ा दे दिया है। अब इसका इस्तेमाल करके हम जो इस ट्रेन को रोकेंगे, क्योंकि बस कुछ ही सेकंड में ये जो ट्रेन है एयरपोर्ट पहुँचने वाली है। तो भाई अब रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, यहाँ पर अभी भी ये ट्रेन नहीं रुकी है, अभी भी ये ट्रेन नहीं रुकी है भाई। यहाँ पर देखो भाई बहुत मजबूत है यार ये ट्रेन, खूब सारे हैमर भी झेल चुकी है उसके बावजूद भी नहीं फटी है। और यहाँ पर देखो अभी जो है ट्रेन स्टॉप हो चुकी है, तो जहाँ पर हमें रोकना था ट्रेन को वहाँ रोकने में हम कामयाब हो चुके हैं। और फिलहाल जो है ये वाला कंटेनर इसे तोड़ते हैं और इसमें से जो भाई सुपर कार है उसे निकालते हैं। तो चलो यार यहाँ पर ये मैंने तोड़ दिया है और ये खुल गया है इधर गेट, और कार है कि नहीं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक स्पेशल कार है, और कितनी स्पेशल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो इस कार को लेकर चलते हैं और यहाँ पर बैठते हैं इस कार के अंदर, और इसकी क्या खासियत है वो अब आपको पता चलेगी। देख रहे हो भाई कैसे कलर चेंज कर रही है, एक तरीके से भाई ये जितना भी आप इसे चलाओगे उतने ही बार ये कलर बदलेगी, मतलब सेम कलर में नहीं रहने वाली। देखो कितने कलर इसने जो है चेंज कर दिए हैं अब तक ही।
तो भाई और इसकी काफ़ी सारी खासियत और है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तो आप देखो कितनी बढ़िया ये कार है जिसे जो है हमने ट्रेन से चुरा लिया है। तो भाई ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और पेज को फॉलो ज़रूर करना, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है आपको मिलती रहेंगी। तो चलो यहाँ पर जो है थोड़ी सी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं कि कितनी स्पीड पर ये जाती है। अभी थोड़ा सा मुझे अपग्रेड भी कराना होगा इस कार को, और अभी तो भाई बढ़िया स्पीड तो काफ़ी है भाई, स्पीड काफ़ी। अरे भाई ये तो कंट्रोल से ही बाहर हो रही है भाई, अभी जो है कंट्रोल ही नहीं हो रही है। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।